हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची थोड़ा। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी बिंदी को मेरी आद्या निकाल चुकी है और यहाँ बैठी हुई है। एकदम टीवी देखना है इनको, ऐसे पैर हाथ रख के। ये जगह है बैठने का या ये है आद्या? आद्या पिटी करेगी, मम पिटाई करेगी, देख रहे हैं, आँख भी नहीं झपका रही है ये। पिटी इनका दो गो दांत है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ दो गो दांत है। अच्छा मम्मा को पुच्ची दे दो ना, पुच्ची पुच्ची पुच्ची। हाई फाई हाई फाई हाई फाई हाई फाई। और पुच्ची कैसे बैठी है ये, मतलब एकदम महारानी जैसे। थोड़ा आलू के चालू बेटा बता दो। आद्या चंदा ने पूछा तारों से, पुछ पुछ पुछ। सो गाइस ये सोफा इतना अच्छा है कि ये सो भी सकती है इस पे, देख सकते हैं अभी इतना है। फिलहाल गाइज मैंने आज मेहंदी लगा ली, ये तो छोड़ दीजिए, आगे का कलर बढ़ गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। पीछे ये वाला बीच में जो गोल्ड डिज़ाइन है वो वैसा ही था, बस उंगली पे लगा दिया क्योंकि मुझे आज रिंग का प्रमोशन करना था। पहले तो बिंदी लगाती हूँ बिकॉज मुझे खुद ही अपना मुँह अच्छा नहीं लगता है इससे। और अभी लड्डू के आने का टाइम हो चुका है और नारियल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है ना गाइज मेरे पास। एक सेकेंड, तो ये मैं, बहुत लोग इस पे कमेंट करते हैं आमा नहीं अम्मा, तो आमा ही सुने हैं यार हम लोग, आमा ही बोलता था सब लोग, अम्मा आमा बोलते थे आमा। तो मैं लगा लेती हूँ, ब्लू कलर की लगाती हूँ क्योंकि नाइट ड्रेस ही ब्लू कलर है। चलिए आ जाओ, मेरे को मरून कलर बिंदी बड़ा साइज इतना ज़्यादा पसंद आ गया था ना, जाके आज लाऊंगी, वो ख़त्म हो गया पूरा, मतलब उसको फिर से लाना है। देखिए एक बिंदी से मुंह इतना सुंदर हो जाता है। एंड गाइस ये मैं ये नाइट ड्रेस पहनती हूँ ना, सब लोग भर भर के कमेंट करते दीदी ये नाइट ड्रेस कहाँ से लिया है। अब जब बिंदी लगा ली है तो लिपस्टिक भी लगा लूँ, हालांकि आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं लगाऊंगी फेसेस कनाडा का न्यूड शेड ही है, बट ये टूट भी गया है थोड़ा सा। एक सेकेंड, न्यूड शेड है तो यहां मैं, मेरा बिंदी और लिपस्टिक हो चुका है। सो गाइस मैं बोल रही थी नाइट ड्रेस, ये वाला जब भी नाइट ड्रेस पहनती हूँ ना सब बोलते दीदी कमेंट दे दीजिए। और खैर पहले पिछले साल इस टाइम तक तो आप लोग सब लोग भर भर के कमेंट करते थे कि ये एक ही नाइट ड्रेस है, एक ही नाइट ड्रेस है, एक ही नाइट ड्रेस है, ये इनका फेवरेट नाइट ड्रेस है। तो हालांकि आप लोग सही बोलते हैं ये मेरा फेवरेट है, लेकिन एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। पहली बात तो इसका कलर, इसकी फिटिंग देख सकते हैं, मतलब इतना अच्छा बैठता है ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और जब भी मैं पहनती हूँ सब बोलते हैं दीदी आप पतले लग रहे हो, एक साल पहले पहनती थी तभी भी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, पतला लग रहा है या नहीं लग रहा है। और कंफर्टेबल है यार, तो क्या चाहिए। ये मैंने मीशो से ही लिया था, ट्राई करूँगी कि इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर दूँ, बाकी आप लोग फोटो खींच के मीशो पे डाल सकते हैं, आ जाएगा। तो ये नाइट ड्रेस है, इसका लेंथ पहनते भी पूरा एकदम सही है, ऐसा नहीं कि एकदम लंबा लटका हुआ है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे ना पॉकेट दिया हुआ है दो दो। एंड गाइज एक रिंग का आज मैं प्रमोशन की तो मैं दिखाती हूँ। वैसे सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि मैं कल अलमीरा सेट कर रही थी, तो ऐसा हो चुका है मेरा अलमीरा। यहाँ मेरा एक आईफोन है जो कि हाँ चार्ज है, 416 में ब्लॉग शूट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं 416 11 सितंबर, 17 सितंबर को तो बर्थडे है। तो यहाँ पे
यहाँ पे मैं बोल रही थी यहाँ जीन्स है मेरे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा है। ये दुपट्टा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और ये मैंने लहंगा के ऊपर पहना था और ये सब मेरे दुपट्टे ही हैं। यहाँ पे मेरी कुर्ती है, सिर्फ कुर्ती, कुर्ती बहुत सारे छाट दिए हैं मैंने क्योंकि जो पहनती हूँ जिसकी फिटिंग एकदम सही होती है वही है इसमें। उसके बाद से ये वाले हैं सूट, जिनका मतलब ये तो मेरे शादी के टाइम का सूट है, तो ये ऐसे हैं जो पैंट कुर्ता और दुपट्टा, मतलब स्पेशली पैंट और सूट जो है वो है ये। उसके बाद से यहाँ पे है मेरे शर्ट, यहाँ पे है मेरे टॉप और वहाँ पे है सारे लॉन्ग, यानी कि एक जैकेट है, एक लॉन्ग स्कर्ट है और फिर एक लॉन्ग स्कर्ट है और एक जंप सूट है। ऐसा है जो बहुत रेयर पहनती हूँ, मतलब स्कर्ट वगैरह तो बहुत कम पहन पाती हूँ। यहाँ पे स्पेक्टीज हैं और यहाँ पे मेरी साड़ी के ब्लाउज और पेटीकोट है इसमें पूरे भरे हुए। ये दो नाइट ड्रेस हैं, बाकी नाइट ड्रेस और भी हैं बट वो नहीं पहनी हूँ या नहीं रखी हूँ इसमें। ये सारी साड़ियाँ हैं, कोई हैवी है, कोई किसी में, एक में सिर्फ सिल्क की साड़ी है, एक में कॉटन और शिफॉन की साड़ी है जो कि बहुत मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है जिसमें पूरे अट गए हैं, और एक है थोड़े से हैवी भी और मतलब कम हैवी भी, मतलब जो डेली हम लोग कैरी करते हैं, और एक में है ऐसा ही कुछ है मतलब एकदम ज़्यादा डिज़ाइन वाला, और एक में न्यू न्यू कोलाब्रेशन का आया था तो उसी टाइप की साड़ी सारी की सारी इसमें डाल दी हूँ। ये वाला अलमीरा तो पूरे अच्छे से सेट हो गया, लेकिन ये वाले अलमीरा में ये वाला कंपार्टमेंट और ये वाला कंपार्टमेंट मेरा है, जो कि कपड़े तह कर करके ऐसे ही डालते गए हैं। तो ये दोनों मतलब दोनों क्या, ये पूरा का पूरा कबर्ड खाली करूँगी, इसमें तो टॉवल वगैरह है तो ये सब खाली करके अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं सूट वगैरह है, तो ये सब अगेन उसमें रखने वाला है। तो देखती हूँ अभी इसको करती हूँ, नीचे वाले में तो डाइपर रखा था तो वो भी सब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी बहुत ही अच्छे से। और ये वाला अभी काम मेरा बाकी है, बाकी कितना भी सेट करती थी ना पहले तो बहुत ज़्यादा ही फैल जाता था, अभी ऐसा सेट कर दिया कि नहीं फैलेगा। ये वाले चीज़ मैं कम पहनती हूँ, टॉप और शर्ट बहुत रेयर होता है तो इसीलिए पहले ये ऊपर रहता था तो सब फैल ही जाता था और सूट नीचे रहता था तो ढूंढते ढूंढते फैलता था। अब ऐसे किया है कि सूट और पैंट वाला एक साथ कर दिया है, कुर्ती एक पास कर दी, दुपट्टा एक पास कर दिया, और इनमें से जिसका भी पैंट पहनना होगा या जीन्स के साथ जो कुर्ता पहनती जैसे कि ये वाले, तो यहाँ से पैंट मिल जाएगा, ऐसे सजा के रखा है। सो गाइज, इसी के साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ वो रिंग जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी ये मनीषा भाभी के लिए क्या, तो जी नहीं, मनीषा भाभी के लिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रंजना को कुछ नहीं दिया था। तो फिर आप लोग ही कमेंट करोगे कि मनीषा भाभी को नहीं दिया, रंजना को, मतलब मनीषा भाभी को दे दिया, रंजना को नहीं दिया और बाकी ऐसे ऐसे जो भी है। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि एक को भी नहीं दिया इसलिए उनको भी नहीं दिया। और वैसे भी हमारे बर्थडे में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि वो लोग हमको देते और हम उनको देते, बस प्यार बहुत सारा देंगे जो कि मेरे पास है और दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं गई भी नहीं थी, जाती तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देती, बट अब देख के वीडियोस ऐसा लग रहा है कि काश हम भी गए होते, लेकिन अब बार बार जाना पॉसिबल है नहीं। हालांकि भाभी मुझे बोली कि पूजा दी फ्लाइट का टिकट कर रही हैं, लेकिन उनको गाइस आप लोगों के साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दूँ, मैं फ़्लाइट का टिकट ही कर रही थी जिस टाइम वो की थी, लेकिन वो फ़्लाइट दुबई का था, दिल्ली से दुबई के लिए, और मेरे साथ ना कुछ पता नहीं इतने सारे टिकट्स किए हैं लेकिन ये वाले टिकट में इशू आ गया था। एक्चुअली जिनका कर रही थी ना उनका लास्ट नेम एक्चुअली तीन वर्ड के हैं तो दो वर्ड मैंने डाल दिया था, लास्ट नेम जो है लास्ट नेम नहीं डाला था, जैसे कि समझ गए होंगे आप लोग, तो वो करेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि पूरा का पूरा सरनेम चेंज नहीं हो सकता है, जिस वजह से वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जाने के लिए तो चला भी जाए बंदा लेकिन वहाँ से नहीं आ पाएगा क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है नहीं। तो मैंने भी सोचा कि नहीं चलो कैंसिल कर देती हूँ, और कैंसिल किया तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे अमाउंट डिडक्ट हो गए और फिर उसके बाद से पैसे कट गए, लेकिन कोई बात नहीं है, टिकट फिर से दोबारा कर दिया है मैंने क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे भी नहीं, एक्चुअली कल रात के 12 बजे के पहले ही करना था क्योंकि कल दिन में मैंने किया था 12:30 एक बजे के करीब, तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है। हालांकि टिकट करते वक्त बहुत बार चेक करते, बट जो पासपोर्ट में नाम था ना सिर्फ आगे का ही नाम, मतलब क्योंकि लास्ट नेम जो है वो बहुत ऊपर था तो मैंने आगे आगे वाला नाम डाल दिया और वो मेरे से प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा तो हो गया ब्लंडर मिस्टेक। कॉल आ रहा है लड्डू के पापा का तो रिसीव करती हूँ कि पापा आ गए थे और साथ में मेरी आद्या जी भी है यहाँ पे जो कि बोल रही है मम्मा मेरे होते आप व्लॉग नहीं बना सकते हो।
और मैं इनको गंजी पहनाई हूँ, तो आप लोग वो मत कीजिएगा क्योंकि ये कंफर्टेबल है। अभी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो अब जाके थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई है, हालांकि मुझे इनको वीडियो में नहीं दिखाना था। तो गाइस मेरा व्लॉग बार बार रुक जा रहा है बिकॉज लड्डू के पापा बार बार फ़ोन कर रहे हैं और आद्या भी मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए अब आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ जो रिंग के बारे में बात हो रही थी। मेरा बाल थोड़ा सा बढ़ गया अभी इधर, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा केयर करना है क्योंकि अभी ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर बढ़ रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। बाकी हेयर मोटा करने का अगर आपके पास कुछ वो है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये वाले गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट नहीं है ये, मुझे रिसीव हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं, ये प्रकाश ज्वेलर से रिसीव हुआ है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज आपको मिल जाएगा, तो इनका नंबर भी इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर। शायद फ्रंट कैमरा में आप लोगों को तो सही दिखे, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, मेरे को तो उल्टा ही दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को शायद सीधा दिख रहा है। इसका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, अब यहाँ देख सकते हैं ऐसा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सा। आद्या कब फूट जाएगा बेटा? बहुत ज़्यादा बदमाशी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बदमाशी। आद्या सब कुछ पटक रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, यहाँ देख सकते हैं इतना प्यारा सा ये रिंग है ना, बहुत ही प्यारा सा रिंग है, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। पास ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ ऐसा सा रिंग है, बहुत ही प्यारा रिंग है। बाकी आई होप सो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। अगर व्लॉग, पता नहीं ये पीला पीला क्यों आ रहा है यार, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और मेरा न्यूड लिपस्टिक आप लोगों को आई होप पसंद आ रहा होगा, बिकॉज आप लोगों को पसंद आता है कि लाल लिपस्टिक मत लगाओ, पिंक लिपस्टिक मत लगाओ, तो आई होप अब अच्छा लग रहा होगा। आद्या मेरी गुस्सा हो रही है कि मम्मा मैं जो छू रही हूँ तुम हटा दे रही हो उसको। तो पहले मैं आद्या को देखती हूँ और ये रिंग भी निकालती हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा सा रिंग है, मतलब इस रिंग को देखो, मैं मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा लगा। देख सकते हैं इस रिंग का डिजाइन कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा है। प्रकाश ज्वेलर से रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप लोग नंबर देख सकते हैं। मेरी आद्या जी थोड़ा परेशान कर रही हैं तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे इनका नंबर है, डिटेल है आपको अगर आद्या उस पर तो नंबर नहीं है गाइस, इस पर नंबर है, प्रकाश ज्वेलर्स का नंबर है इस पर, और आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं इनको और अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा रिंग है, ये डिज़ाइन भी आप भेज सकते हैं।